शंकर झा को गजेंद्र झा से राजनीतिक भय था, यह समझना होगा समाज को। उस राजनीतिक भय की वजह से उसने गजेंद्र झा को साजिश के तहत हटाया। मधुबनी में और भी नेता हैं, फॉरवर्ड नेता हैं, जो खुद को ब्राह्मणों का नेता कहते हैं, आखिरकार वो क्यों नहीं और आपकी क्यों, आपकी कुछ चिंता थी ब्राह्मण समाज की? शंकर झा अगर साथ में इस्तीफा देते तो आज शंकर झा भी पूजनीय होते। आप खुद क्यों नहीं जीवा काटने के लिए जीतन हनुमान जी के जा सकते हैं कि आप दूसरे को उकसा रहे हैं? क्योंकि मैं राजनगर विधानसभा से हूँ, राजनगर प्रखंड का हूँ, और शंकर झा भी राजनगर विधानसभा से हैं, राजनगर प्रखंड से हैं। इसकी कीमत पता नहीं शंकर झा चुका पाएंगे कि नहीं पाएंगे। भाजपा को शंकर झा ने विखंडित कर दिया, अपने स्वार्थ में शंकर झा ने भाजपा को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। आने वाले समय में राजनगर विधानसभा में शंकर झा बनाम गजेंद्र झा हो सकता है। अपनी राजनीतिक सुख के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी भी धर्म को गाली सुना सकती है, श्री राम प्रभु को गाली सुना सकती है, हमारे इष्ट सत्यनारायण स्वामी को गाली सुना सकती है, और ब्राह्मण समाज जिसको पूरा विश्व पूजता है, आप उस तक को गाली सुना सकते हैं, तो फिर आपके सिद्धांत कहां गए और भारतीय जनता पार्टी में और पार्टियों में फिर क्या अंतर है? गजेंद्र जी, जब सनातन धर्म और श्री राम को लेकर के दीदना माजी ने आपत्ति की थी, तब आपका आवेश नहीं फूटा था, तब आपने 11 लाख या कुछ भी ऐलान नहीं किया था कि उनका जीवा काट दिया जाए या गला काट दिया जाए, लेकिन जब ब्राह्मण की बात आई तो तब आपका आवेश फूटा। ब्राह्मण प्रेम कुछ ज्यादा है आपके। एक राजनेता से पहले मैं ब्राह्मण कुल का बेटा हूं, तो मेरे कुल को अगर कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूं। अगर मुझे मारना है गोली भी मरवा दो। गजेंद्र झा रहे या ना रहे, ये जो सिलसिला चला है ये रुकना नहीं चाहिए। गजेंद्र झा अगर मर जाए तो हर घर से गजेंद्र झा पैदा लेना चाहिए, हर घर से परशुराम और उसका फरसा निकलना चाहिए। मधुबनी जिले में भी आपके खिलाफ आपके बयान को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई और शायद पुलिस भी आपको तलाश रही है। कुछ लोगों ने बताया कि मेरे घर पे मुझे पुलिस तलाश कर रही है। मुझे कहीं और तलाश करने की क्या जरूरत है, मुझे फोन कर दो, गजेंद्र झा को फोन कर दो, खुद आके अरेस्ट हो जाए। आने वाले समय में आप बीजेपी की तरफ वापस रुख कर सकते हैं, अपना संगठन बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? नमस्कार जी, मेरा नाम गायत्री है। तो मेरे घुटनों में दर्द रहता था, मेरे बेटे ने बताया कि डॉक्टर शारदा जी के बारे में कि जाओ वहाँ दवाई लो, वहाँ से आप ठीक हो जाओगे, और मैं 2-3 महीने से दवाई खा रही हूँ, तो अब बहुत ठीक हूँ जी मैं यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNN न्यूज और मैं हूँ आपके साथ विजय विकास। आज हमारे साथ हैं गजेंद्र झा, जो कि पिछले दिनों बिहार में जातिगत टिप्पणी को लेकर के जो राजनीति गर्म आई थी, इसकी वजह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान, और उसके बाद तब के बीजेपी नेता गजेंद्र झा का प्रतिक्रिया, जिसके कारण लगातार बिहार में राजनीति उबाल आई, कई तरह की बयानबाजी हुई, और जीतन राम मांझी ने इसके बाद वापसी भी की, माफी भी मांगी, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन इस बीच गजेंद्र झा पर पार्टी ने कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया। आज उनसे हम बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा और आगे की उनकी रणनीति क्या है इस मामले पर। तो फिलहाल गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र जी, आप पे पार्टी ने कार्रवाई की है अनुशासनहीनता के खिलाफ कह सकते हैं, और आपने प्रतिक्रिया दी थी, और पिछले कई सालों से लगातार आप बीजेपी की सेवा करते आ रहे थे, बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और इस बीच आपने एक जीतन राम मांझी के जातिगत टिप्पणी के खिलाफ आपने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, और जिसके कारण आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा और आपको पार्टी से निकाल दिया गया। आपने सोशल मीडिया पर आकर के अपनी भड़ास भी निकाली थी और लगातार आप दौरा कर रहे हैं। इस सारी घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं और अपना भविष्य आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, 1998 में पहली बार मैं पार्टी का सदस्य बना था, और उसके बाद से फिर बड़े ही समर्पित ढंग से मैंने अपना तन मन सब कुछ पार्टी पे न्योछावर किया। एक राजनीतिक दल का मतलब मैंने भाजपा के अलावा कुछ नहीं समझा, और उसका कारण ये था, बचपन से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जो आप कहें कि मेरे रगों में बहता है, वो एक कारण रहा होगा। जब जैसा पार्टी ने आदेश दिया तब मैंने वैसा किया। 2010 से लगातार मैं पार्टी से टिकट मांग रहा था, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जो आप कहें कि उसकी जो इच्छा होती है या उसका लक्ष्य होता है कि समाज सेवा के साथ साथ
मैं समाज का प्रतिनिधित्व करूं। तो मतलब आप कहीं 2010 से मैंने कई बार टिकट मांगा, पार्टी की भी मजबूरियां रहती हैं, मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन गजेंद्र झा के ईमानदारी को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि मैंने कभी आज तक और नेताओं की तरह, मधुबनी की बात करें तो कई नेता 5 साल शांत रहते थे, अचानक चुनाव में देखता हूं मैं कि नेता आप बरसाती मेंढक की तरह एक्टिव हो जाते हैं, पता नहीं कहां से इतना बल ले आते हैं अचानक से, सब जैसे लगता है कि सारा एनर्जी इकट्ठा करके रखा है और चुनाव के वक्त ही वो एनर्जी, वो समर्पण, पार्टी के प्रति ईमानदारी वो दिखना शुरू हो जाता है। और नेताओं की तरह मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, और नेताओं की तरह मैंने कभी चुनाव में पार्टी को आंख दिखाने का या ब्लैकमेल करने का काम मैंने गजेंद्र झा ने कभी नहीं किया। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं भी दिया तो जिस प्रत्याशी को भी टिकट मिला उसके लिए मैंने तन मन धन और बड़े तन्मयता के साथ, सुदृढ़ता के साथ मैंने उस व्यक्ति का साथ दिया और चुनाव जिताने का भी कार्य किया। आप देख लीजिए बड़े बड़े नेता दल बदल बदल के चुनाव लड़े, अभी की तुरंत के चुनाव की बात कह रहा हूं मैं, 2020 में जो चुनाव हुआ है मैं उसकी बात कह रहा हूं, असेंबली इलेक्शन की। बड़े बड़े नेता जो खुद को पार्टी का कोर वोटर, पार्टी का समर्पित सेनानी, नेता, सिपाही क्या क्या कहता है, वो हर कोई बहुत सारे मधुबनी में आप देख लीजिए दर्जनों ऐसे नेता हुए जो जिसने तुरंत एक क्षण भी नहीं सोचा पार्टी बदला, चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुई और 2-4-6 महीने भी नहीं लगे पार्टी ने उसे वापस बुला लिया। अब ऐसे में मैं अपने निष्कासन को क्या समझूं, मेरे पास भी कभी कभी शब्द नहीं रहते, जवाब मैं खुद को भी नहीं दे पाता हूं। मन में ये बार बार ये बात आती आखिर मेरा अपराध क्या था। मैंने कई बार कहा पार्टी से और पार्टी के नेताओं से कहा कि साहब मेरे निष्कासन से पहले एक बार मुझे मेरी गलती बता देते, इतना हक तो है। 22 वर्ष जिस पार्टी में 23 वर्ष में रहा, तन्मयता से रहा, कभी मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में दामन अक्सर दागदार हो जाते हैं राजनीति में, मैंने उसको वो मेरा चरित्र, मेरे संस्कार, पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा, यही मेरा धरोहर रहा। फिर भी आपने एक क्षण नहीं सोचा, मेरा निष्कासन निकाल दिया। मुझे मेरे निष्कासन का दर्द उतना नहीं है जितना इस बात का कष्ट है कि काश पार्टी मुझे मेरी गलती बता देती एक बार, तो शायद गजेंद्र झा को उतना दर्द नहीं होता। आपको जो आपका जो निष्कासन हुआ, हम तो मतलब जो मैसेज आया था मीडिया में और जो बयानबाजी चल रही थी चिदानंद मांझी को लेकर के, उन्होंने ब्राह्मण समाज के बारे में एक आपत्तिजनक शब्द कहा था, इसको लेकर के आप आवेशित होकर के, आक्रोशित होकर के जीवा काटने का ऐलान किए थे और 11 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि मैं मधुबनी की बात करूं, आप मधुबनी से आते हैं, मधुबनी में और भी नेता हैं, फॉरवर्ड नेता हैं जो खुद को ब्राह्मणों का नेता कहते हैं, आखिरकार वो क्यों नहीं और आके क्यों, आपकी कुछ चिंता थी ब्राह्मण समाज की? राजनीति में दो बातें होती है, पहली बात यह कि मुझे हर हाल में पद चाहिए और एक नेता ऐसा होता है जो सामाजिक सरोकार की भावना को लेके किसी दल से जुड़ता है। मैं औरों की बात तो नहीं कहना चाहता, इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कि वो जो भी नेता आज मौन पड़े हुए हैं उनको अपने पद जाने की का डर हो, या उनको ऐसा लगता हो, या वो मौसम वैज्ञानिक की तरह पहले समझ गए हो कि भाई अगर बोलेंगे तो पार्टी निकाल देगी। सत्य के राह पे चलने के लिए त्यागी होना पड़ता है, आपको अपना निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है जीवन का तिलांजलि देना पड़े, वो हिम्मत शायद ना हो। नेता जरूर खुद को कहते होंगे लेकिन मन में भाव कायरता का होगा, वो हिम्मत जो चाहिए निष्पक्ष बोलने के लिए, अपने समाज के साथ खड़ा रहने के लिए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते होंगे। कुछ तो मजबूरी उनकी होगी या फिर स्वार्थ में इतने लिप्त हैं कि उनको सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं रह गया है। कम से कम देखिए
गजेंद्र झा जीतन राम मांझी ने सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही गाली नहीं दिया था, गजेंद्र झा को गाली नहीं दिया था, जीतन राम मांझी ने पहले हमारे इष्ट श्री राम प्रभु को गाली दिया, अपमान किया उनका, हिंदू सनातन धर्म को उसने गलत बताया, कमजोर बताया, सत्यनारायण स्वामी को उन्होंने गलत बता दिया। एक बात मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, साहब जिस प्रभु राम के नाम पर इस पार्टी का गठन हुआ, जिस सनातन धर्म के नाम पर इस पार्टी की नींव रखी गई, जिस हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू की और जिस सनातन धर्म के आप तथाकथित रक्षक बने, अगर आप उन सभी सिद्धांतों से विहीन हैं, आप धर्म को गाली सुन अपनी राजनीतिक सुख के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी भी धर्म को गाली सुना सकती है, श्री राम प्रभु को गाली सुना सकती है, हमारे इष्ट सत्यनारायण स्वामी को गाली सुना सकती है, और ब्राह्मण समाज जिसको पूरा विश्व पूजता है, आप उस तक को गाली सुना सकते हैं, तो फिर आपके सिद्धांत कहां गए और भारतीय जनता पार्टी में और पार्टियों में फिर क्या अंतर रह गया? गजेंद्र जी, जब सनातन धर्म और श्री राम को लेकर के जीतनराम मांझी ने आपत्ति की थी, तब आपका आवेश नहीं फूटा था, तब आपने 11 लाख या कुछ भी ऐलान नहीं किया था कि उनका जीवा काट दिया जाए या गला काट दिया जाए, लेकिन जब ब्राह्मण की बात आई तो तब आपका आवेश फूटा। ब्राह्मण प्रेम कुछ ज्यादा है आपके अंदर। देखिए, सब्र का भी एक इम्तिहान होता है। उबाल उस दिन से था जिस दिन पहली बार मेरे इष्ट को गाली दिया, उबाल उस दिन से था जब एक हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानता, उबाल उस दिन से था जब एक पाखंडी हमारे राष्ट्र में उसकी मानता नहीं है, और सबसे बड़ी बात मुझे मेरे खून में उबाल उस दिन से था जिस दिन उस व्यक्ति ने सत्यनारायण स्वामी तक को गाली दे दिया। ब्राह्मण की बात इसलिए क्योंकि एक राजनेता से पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, एक राजनेता से पहले मैं सनातनी हूं, एक राजनेता से पहले मैं ब्राह्मण कुल का बेटा हूं, तो मेरे कुल को अगर कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जीतन राम मांझी की ही बात नहीं है, हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में है, खुद को हिंदू कहता है और सनातन धर्म को गाली देगा, हर उस व्यक्ति से गजेंद्र झा की टकराव होगी, चाहे उसके लिए मुझे प्राणों की तिलांजलि देनी पड़े तो कोई फिक्र नहीं है, किसी एक को तो शहीद होना पड़ेगा हिंदू को जगाने के लिए हिंदुस्तान में। अब तक जो आपका जितना भी मीडिया इंटरव्यू हुआ है या जितना बार भी आप लाइव आए हैं इस मामले को लेकर के, हर बार यही देखा गया कि बगावत आपका मांझी के बयान के खिलाफ है, लेकिन अभी आप पार्टी की बात भी कर रहे हैं कि पार्टी सिद्धांतों से समझौता कर रही है, जो हिंदुत्व के नाम पर या हिंदू राष्ट्र के नाम पर या श्रीराम के नाम पर जिस पार्टी का उदय हुआ, जिस पार्टी का सिद्धांत उससे जुड़ा हुआ रहा है, वो उस चीज से समझौता कर रही है, अचानक की बगावत में वापस, फिर वही सवाल है, आखिर सिर्फ आप ही क्यों? ब्राह्मण नेता बहुत हैं बिहार में, और आमतौर पर ये भी ब्राह्मण बीजेपी ये कहते आ रही है कि हम तमाम जाति को साथ लेकर के चलते हैं, ब्राह्मण हो, बिहार हो, या जो भी जाति हो जो यहाँ पर हावी है बिहार के राजनीति में, उनको साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन आप गैर निर्वाचित, आप सिर्फ नेता थे, आप पूर्व में पदेन भी रहे हैं पार्टी में, आपको पद भी मिला था, लेकिन आप निर्वाचित नहीं थे, लेकिन जो निर्वाचित हैं ब्राह्मण नेता हूं या फॉरवर्ड के नेता हूं बीजेपी में, आखिरकार वो क्यों नहीं कुछ बोल पाते हैं? ना मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया आई, ना आपके निष्कासन के बाद आपके निष्कासन को भी सही या गलत बताया गया, आखिर उनकी चुप्पी क्यों है? देखिए, मैंने कहा आपसे कि सत्य बोलने के लिए कलेजे में हिम्मत की जरूरत है। आप समाज के जिस वोट से नेता बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि वो उन सारे व्यक्तियों के मान सम्मान की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। स्वार्थ में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि अपने कर्तव्य को भूल जाता है। मैं देखिए, अगर गजेंद्र झा गलत है, उसका निष्कासन गलत है, गजेंद्र झा ने अगर गलत बयान दिया है, गजेंद्र झा अगर आप कहें उसका निष्कासन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, वो सारे मौन नेता, मैं
मैं स्पेशली मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से मैं व्यक्तिगत तौर पे आज पूछना चाहता हूं साहब, वो खासकर वो नेता जो ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण कुल से आते हैं, ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, खुद को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, अगर उनकी आस्था सनातन धर्म में है और फिर भी उनको लगता है कि गजेंद्र झा का निष्कासन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हुआ है वो सही हुआ है, तो मेरा विनती है कि आप मंच पे, खुले मंच पे आके यह कहें कि गजेंद्र झा का निष्कासन गलत है। आप कम से कम इतनी हिम्मत जुटाइए, और अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गजेंद्र झा के साथ किया है वो अन्याय है, तो कम से कम मिथिला का यह बेटा आपसे आग्रह करता है कि गजेंद्र झा भी हिंदुस्तान का ही बेटा है, पाकिस्तान से नहीं आया, रिफ्यूजी नहीं है। तो फिर आप हिम्मत जुटा के पार्टी से पूछिए कि आखिर आपके बेटे, आपके भाई के साथ यह अन्याय क्यों। लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं है, डर लगता है पार्टी इन्हें भी निकाल के बाहर फेंक देगी। आपका मूल रूप से कार्यक्षेत्र मधुबनी रहा है, राजनगर विधानसभा से आप आते हैं, और जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में मधुबनी के जिलाध्यक्ष शंकर झा को भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, कई तरह की प्रतिक्रिया लगातार उन पर आती रही, और शंकर झा को लेकर के आपने भी कुछ एक प्रतिक्रिया फेसबुक पर डाली थी, उनका लेटर जो किस तरह से निलंबन या निष्कासन का दो पत्र निकाला गया था, तो शंकर झा की इसमें भूमिका, जिलाध्यक्ष के तौर पर भूमिका आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, भाजपा एक राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक दल की कई तरह की मजबूरियां होती हैं, उन्हें हो सकता है भाजपा को ब्राह्मणों की अब जरूरत ना रही, या ब्राह्मणों से ज्यादा और किसी की जरूरत हो, या आप कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव नहीं है तो भाजपा को चिंता नहीं है। लेकिन शंकर झा से दर्द इस बात का है, ब्राह्मण कुल में जयचंद का कोई आप कहें कि कोई जगह नहीं रहा था। अगर शंकर झा को लगा या शंकर झा के तरफ के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक पार्टी की ओर से, प्रदेश की ओर से, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की ओर से अगर शंकर झा को किसी तरह का दबाव रहा गजेंद्र झा को निकालने के लिए, तो शंकर झा अगर सही होते, अपने समाज के साथ होते, कार्यकर्ता के साथ अगर वो अध्यक्ष होते, तो शंकर झा कम से कम इतना जरूर कहते कि गजेंद्र झा को एक बार में निष्कासित करना उचित नहीं होगा, उनसे कम से कम पूछा जाए कि तुमने ये गलती की है अगर, तो उसे समझाया जाए, पुराना कार्यकर्ता, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी ने शंकर झा की बात नहीं सुनी और उनको एकदम जवाब दे दिया कि तुम गजेंद्र झा को अब भी निकाल दो, तुगलकी फरमान अगर जारी कर दिया प्रदेश कार्यालय भाजपा ने, तो शंकर झा अगर साथ में इस्तीफा देते तो आज शंकर झा भी पूजनीय होते और समाज को लगता कि शंकर झा ने सही किया। लेकिन क्योंकि मैं राजनगर विधानसभा से हूं, राजनगर प्रखंड का हूं, और शंकर झा भी राजनगर विधानसभा से हैं, राजनगर प्रखंड से हैं, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गजेंद्र झा का जो एक बड़ा कद है कार्यकर्ताओं के बीच में, गजेंद्र झा का को जो आज मधुबनी और मिथिला अपना बेटा मानता है, उस डर से शंकर झा ने साजिश के तहत मुझे हटाया है। शंकर झा को गजेंद्र झा से राजनीतिक भय था, यह समझना होगा समाज को, उस राजनीतिक भय की वजह से उसने गजेंद्र झा को साजिश के तहत हटाया। गजेंद्र झा पार्टी के लिए समर्पित था, गजेंद्र झा ने ऐसा कोई कलंक नहीं लगाया था, ऐसा कोई धब्बा नहीं लगाया था कि गजेंद्र झा को चुटकियों में निकाल के हटा दिया जाए, गजेंद्र झा को शंकर झा के साजिश के तहत हटना पड़ा है पार्टी से। तो आने वाले समय में यह माना जा सकता है कि अभी पार्टी ने आपके निष्कासन का कार्रवाई कर दिया, निलंबन का कार्रवाई कर चुकी है, आने वाले समय में राजनगर विधानसभा में शंकर झा बनाम गजेंद्र झा हो सकता है। अब तो राजनगर में ही नहीं, बात अब बदल गई है। गजेंद्र झा मधुबनी का नेता था, आप लोगों ने गजेंद्र झा को तोड़ा, तो गजेंद्र झा समाज से आज जुड़ गया है, और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यमों से भी पूरे भारत में
समाज ने अपने बेटा को सही गजेंद्र झा को सही माना है और पूरा भारत समर्थन दे रही है। अब तो इसकी कीमत पता नहीं शंकर झा चुका पाएंगे कि नहीं पाएंगे। भाजपा को शंकर झा ने विखंडित कर दिया, अपने स्वार्थ में शंकर झा ने भाजपा को टुकड़ा टुकड़ा करके रख दिया, तोड़ दिया है, जिसकी भरपाई शंकर झा जैसे आप कहें कि स्वार्थी कार्यकर्ता नहीं पूरा कर सकते। अब जगह जगह आप जा रहे हैं लगातार, जिसके जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद मधुबनी के अलावा विभिन्न जगहों पर भी आप गए हैं, कई जिलों में गए हैं, लगातार आपको अच्छा खासा पब्लिक अटेंशन मिला है, लोग स्वागत कर रहे हैं, आपके लिए कार्यक्रम स्पेशली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आने वाले समय में आप बीजेपी की तरफ वापस रुख कर सकते हैं, अपना संगठन बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? गजेंद्र झा किसी भी दल में रहे, शर्त यही होगी कि जिस तरह से मैंने अपने समाज का, अपने सनातन धर्म का को गाली देने वाले को का प्रतिकार किया है, जवाब दिया है, अंदाज गजेंद्र झा का यही रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल मुझे बर्दाश्त करेगी, क्योंकि जमाना राजनीतिक दलों में जमाना चाटुकारिता किया गई है। तो ऐसे में गजेंद्र झा किसी राजनीतिक दल के लिए कभी कार्य करे न करे, आजीवन जब तक अंतिम सांस है अपने समाज के लिए कार्य करता रहूंगा। एक नेता बनने से अच्छा समाज का बेटा बना गजेंद्र झा को बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत ही प्रखरता से कह रहा हूं, एक नेता बनू ना बनू समाज का एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, अपने समाज को जगाने के लिए कार्य करूंगा। और जो हिस्सेदारी आज तक राजनीतिक दलों ने हमसे छीनी है, वो हिस्सेदारी फिर से राजनीतिक दलों में दिलाना, देश को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म को मजबूत करना, यही गजेंद्र झा की प्राथमिकता अब रहेगी। आपने जो बयान दिया था कि जो मांझी का जिहवा काट के लाएंगे उन्हें 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो पहले दूसरे दिन आपको इस पे लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया आपके पक्ष में आपके समाज के लोगों ने दिया, लेकिन उसके बाद ही आपके ही समाज के लोग और बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि आपने पब्लिक अटेंशन पाने के लिए पॉलिटिकल एक तरह से स्टंट किया, आप खुद क्यों नहीं जीवा काटने के लिए जितना मांझी के जा सकते हैं कि आप दूसरे को उकसा रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपको हृदय से कह रहा हूं, मैंने किसी को उकसाने का या पब्लिक, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई राष्ट्रीय नेता नहीं था, मैं मिथिला का बेटा हूं, मिथिला की सेवा में आज जब से मुझे ज्ञान हुआ मिथिला की सेवा में लगा हुआ हूं, अपनी जो जैसी मेरी हासियत है उस हैसियत से मैं लगातार बढ़ के लगा रहा, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा, जहां तक मुझसे बन पड़ता था मैं लगा रहा। मैं मीडिया का भी मोहताज नहीं था, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे वो अटेंशन मीडिया से भी हमेशा मिलती रही। मैं चाहता अगर यही अटेंशन चाहिए होता तो कई ऐसे मुद्दे आए, कई ऐसा वक्त आया जब ये गजेंद्र झा अटेंशन ले सकता था। कई बार चुनाव हुए, उन चुनावों में और नेताओं की तरह मैं भी चाहता था पार्टी को ब्लैकमेल करके कोई पद कोई जगह ले लेता, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अटेंशन के लिए गजेंद्र झा ने कोई बयानबाजी नहीं दिया, अगर अटेंशन के लिए दिया होता तो और दलों की तरह या और नेताओं की तरह मेरा भी गजेंद्र झा का भी एक वॉर रूम होता, कई लोग होते, लेकिन आप देख रहे हैं गजेंद्र झा आज भी अकेला पैदल चलता है। मुझे किसी अटेंशन की जरूरत नहीं थी, मैं तो सेवा के लिए जुड़ा था। मैं जिस आर्मी स्कूल में था उस वक्त की का मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद है, मैं आर्मी स्कूल मथुरा में था और थर्ड फोर्थ क्लास में रहा हूंगा, अगर मेरी वो कॉपी मिले तो जो निबंध हम लोग लिखते हैं, मैं लिखा करता था आई वॉन्ट टू बी ए पॉलिटिशियन, तो दिमाग शायद सेवा के लिए आप बचपन से ही तैयार होगा। दूसरी बात, उकसाने का काम नहीं, जीव काटने का मतलब सिर्फ जीव काट देना ही नहीं है, जिहवा को लगाम देना भी होता है। मेरा बयान जीतन राम मांझी को सतर्क करने के लिए था कि साहब आपने भगवान से लेके इंसान तक को गाली दे दिया, अब सावधान हो जाइए वरना समाज आपका प्रतिकार करेगा, बहिष्कार करेगा। मैंने इसके लिए दिया था, मेरी कोई भी मंशा ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को कानून का उल्लंघन करने के लिए कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान दे दूं या सस्ती बयानबाजी करके मीडिया में छाने की राजनीति
ये गजेंद्र झा ने कभी नहीं किया। गजेंद्र झा को लो, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि गजेंद्र झा एक गंभीर व्यक्ति है और समाज के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहा है। मैंने पार्टी में दिन रात इस ढंग से मेहनत किया है कि पार्टी को कभी मुझसे शिकायत नहीं रही थी। अपनी पार्टी में समर्पित होकर काम करने की बात कही है और आप आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं और आपने बताया कि जब आपने पार्टी की सदस्यता ली थी तो बाकायदा आपने उसमें खुद को समर्पित आजीवन भाजपा के कार्यकर्ता समर्पित रहने की बात कही और यही वजह रही कि आप अभी तक अविवाहित हैं, आपने शादी नहीं की। पार्टी का पार्टी के प्रति समर्पण कहें, समाज सेवा के प्रति समर्पण कहें, समाज के लिए कुछ करने की चाह रखते हुए, लेकिन इस बीच एक तरह से पार्टी की तरफ से इतना बड़ा चोट आना, एक तरह से दर्द ही कह सकते हैं कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया, एक तरह से ये कह सकते हैं कि पार्टी ने आपको धोखा दिया। संक्षेप, पार्टी ने धोखा दिया हो या ना दिया हो, भावनाहीनता और सिद्धांतहीनता की प्रकाष्ठा तो पार्टी ने जरूर दिखाई। गजेंद्र जी, अब अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं और लगातार आप, मैं बात करूं जहां तक हमें जानकारी है, कुछ एक जिलों में आपके खिलाफ शिकायत भी हुई है और FIR भी दर्ज की गई है, जिसमें मधुबनी जिले में भी आपके खिलाफ आपके बयान को लेकर के FIR दर्ज की गई और शायद पुलिस भी आपको तलाश रही है। देखिए, जितनी ही मेरी सनातन धर्म में आस्था है उतना ही मेरा भारत के संविधान और कानून व्यवस्था में भी आस्था है। अगर समाज को लगता है मैं गलत हूं, कानून को लगता है कि मैं गलत हूं, मुझे पता चला है कि मधुबनी में भी हुआ है, मुझे आज तक बड़े आप कहें कि कष्ट का विषय है या आप कह सकते हैं कि बड़ी विडंबना है। शंकर झा ने जो मुझे निकाला, पत्र जरूर उसने लिख के मीडिया को दिया, मुझ तक आज तक कोई पत्र नहीं पहुंचा, मुझे आज तक कोई पत्र नहीं दिया उसने, लिखा और फाड़ के फेंक दिया या क्या, जब साजिश ही करना है तो फिर पता नहीं क्या 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 होगा। मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि मधुबनी कि SC ST थाना में भी मेरे खिलाफ हो गया है, कुछ लोगों ने FIR दर्ज हो गया, कुछ लोगों ने बताया कि मेरे घर पे मुझे पुलिस तलाश कर रही है। मुझे कहीं और तलाश करने की क्या जरूरत है, मुझे फोन कर दो, गजेंद्र झा को फोन कर दो, खुद आके अरेस्ट हो जाए। गजेंद्र झा कमजोर दिल का व्यक्ति नहीं है, अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है, कानून के नजर में अगर मैं दोषी हूं तो मुझे बुला लो, मैं खुद आके सरेंडर कर जाऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तो रिपोर्ट अभी इंटरव्यू भी दे रहा हूं तो आप सबों के समक्ष लाए, ये तो आप सबको दिखाएंगे, सब देखेंगे। मैं कहीं भागा नहीं फिर रहा, हर जिले में जा रहा हूं, हजारों लाखों की भीड़ में रह रहा हूं। लेकिन एक बात और कहना बहुत जरूरी है, एक व्यक्ति जो निहत्ता घूम रहा है, पैदल घूम रहा है, आप उसको पकड़ने के लिए फोर्स घुमा रहे हैं, जिसके ऊपर 2-4 FIR हुआ, जिसके ऊपर सैकड़ों FIR हुआ, जो अपने मकान में किला बंद तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए एक नजरबंद जीवन जी रहा है, जिसको आपने फोर्स का लाइन लगा दिया है, जिसका जिसके ऊपर FIR गजेंद्र झा से पहले हुआ, आप उसे क्यों नहीं गिरफ्तार करते भाई? जीतन राम मांझी ने जो गलती किया है उसमें तो 5 साल के सजा का प्रावधान है, आपने उसमें कुछ नहीं किया, और गजेंद्र झा के बयान को आप हवा बना रहे हैं क्योंकि आप शासन सत्ता में, गजेंद्र झा कमजोर ब्राह्मण है, इसीलिए मेरे पास धनबल नहीं है, मैं पैसे से कमजोर हूं, सिर्फ इसलिए मैं शालीन हूं, मैं चुपचाप अरेस्ट हो जाऊंगा, आपकी सजा को सराखों पर स्वीकार कर लूंगा, सिर्फ इसलिए। अगर सिर्फ इसलिए तो समाज से बड़ा कानून भी नहीं है, और समाज जब जवाब देता है तो कानून को भी पीछे हटना पड़ता है। तो अगर गजेंद्र झा आज ऐलान करके कहना चाहता है, अगर मुझे मारना है गोली भी मरवा दो, अब मैं समाज सेवा से पीछे नहीं हटूंगा, अपने समाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और मुझे जेल भेजना है भेज दो, बस समाज से इतनी ही विनती है मेरी आज, गजेंद्र झा रहे या ना रहे, ये जो सिलसिला चला है ये रुकना नहीं चाहिए। गजेंद्र झा अगर जेल में चला जाए तो मैं नौजवानों से आह्वान करता हूं, दिखा दो इस शासन सत्ता को कितनी जगह है उनके जेलों में, जेल भर जाना चाहिए। गजेंद्र झा अगर मर जाए तो हर घर से गजेंद्र झा पैदा लेना चाहिए, हर घर से परशुराम और उसका फरसा निकलना चाहिए।
तो ये गजेंद्र झा थे हमारे साथ, बीजेपी से बीजेपी के नेता रहे। और पिछला जो घटनाक्रम हुआ जातिगत टिप्पणी को लेकर के, मैं फिर से दोहरा दूं कि जीतन राम मांझी का बयान जो आया था ब्राह्मण समाज को लेकर के, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी भी लगातार सक्रिय समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर ये थे और उन पर कार्रवाई हुई निलंबन का, जिसके बाद लगातार ये मधुबनी ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में लगातार भ्रमण कर चुके हैं और लगातार पब्लिक अटेंशन इनको मिल रहा है। इस बीच इनका इंटरव्यू और लगातार जो भी सवाल बन रहे थे तमाम सवालों का इन्होंने डटकर जवाब दिया है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप देखते रहे BNN न्यूज, साथ ही इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।